हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले हम दो पार्ट में ये चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारा जो फर्स्ट और सेकेंड हेडिंग्स में भी है ना इस बुक के, उसी के हिसाब से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ से आता है थर्ड पार्ट, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। पेट्रोग्रैड जो है वो रशिया की एक जगह है। तो फेब्रुअरी में रिवॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ ये हम इसमें अब देखने वाले हैं। इन द विंटर ऑफ 1719, तो 1719 के सर्दियों का समय था। रशिया में बहुत ही ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है, इतनी भयंकर सर्दी होती है रशिया में। कंडीशन जो थी कैपिटल की पेट्रोग्राड वर ग्रिम, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी 1917 की सर्दियों में रशिया की कैपिटल की। लेआउट जो था सिटी का, सीम टू एम्फेसाइज द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल। तो मतलब आप सिटी को जब देखते हैं ना, तो उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि लोग कितने ज़्यादा डिवाइडेड हैं। वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे, मतलब वर्कर्स के जो घर थे और जो फैक्ट्रीज थी, वो एक किनारे पे थी, ऑन द राइट ऑफ द बैंक ऑफ रिवर नेवा। तो ये रिवर का जो राइट वाला पार्ट है, वहाँ पर फैक्ट्रीज लोकेटेड थी, और जो वर्कर्स उसमें काम करते थे उनके घर भी उधर की तरफ ही लोकेटेड थे। और जो लेफ्ट साइड था वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल एरिया था, जहाँ पे विंटर पैलेस था, जहाँ पे राजा का घर था, और जहाँ पे सारी की सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। और वो पैलेस बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा सा भव्य सा महल कह सकते हैं आप। वहाँ पर ड्यूमा वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है रशिया की, तो वहाँ की पार्लियामेंट भी ड्यूमा में मिलती थी। फरवरी 1917 के टाइम पर सर्दियों में फूड की शॉर्टेज हो गई, वह डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। तो वर्कर्स का जो क्वार्टर था, वर्कर्स जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर खाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। विंटर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, बहुत ही भयंकर सर्दी पड़ी। फ्रॉस्ट जो होता है ना, बर्फ़ गिर रही थी, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू द ज़ार्स डिज़ायर टू रिजॉल्व द ड्यूमा। अब जो लोगों ने इलेक्शन करके तो नहीं बेसिकली, फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्म ऑफ इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट टाइप की बनी थी, ड्यूमा बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी, वहाँ की जो ज़ार था, जो वहाँ का राजा था, वो उसको हटाना चाहता था। 22 फरवरी को ए लॉकआउट टुक एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो देखिए, हमने देखा था ना, रिवर के राइट बैंक पे कौन रहते थे, वर्कर्स रहते थे, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे फैशनेबल एरियाज अमीर लोग रहा करते थे। तो जो राइट साइड था ना रिवर का, वहाँ पे एक तरह से आंदोलन टाइप का शुरू हो गया। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। तो लॉकआउट हो गया, लॉकआउट मतलब बंद कर दिया गया पहले, तो फिर उसके बाद सिंपैथी में कि भाई गलत हुआ है, इसकी सिंपैथी में काफ़ी सारे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो आंदोलन के लिए स्ट्राइक पर आ गए। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज, इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज में जो है वुमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया है स्ट्राइक्स का। स्ट्राइक्स होती है ना कि मतलब धरने पे जो बैठ जाते हैं। दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो 8 मार्च का दिन है, वो इसी दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि वुमेन ने काफ़ी ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई थी। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्रीज क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। तो जहाँ पे आंदोलन करते हुए जो वर्कर्स थे, वो फैक्ट्री वाली साइड जहाँ पर ये लोग काम वगैरह करते थे, वहाँ से कैपिटल सिटी जो थी उधर की तरफ चले गए थे। द नाफ्साकी प्रॉस्पेक्ट, ये रशियन शब्द है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ये जो स्टार्टिंग वाला फेज था, यहाँ पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी मूवमेंट को। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स, गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे राजा के और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आसपास, तो फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th and 25th। तो कर्फ्यू लगा दिया था, तो शाम तक तो चले गए थे, बट अगले दिन 24-25 को वो लोग फिर पूरे टाइम धरना करते रहे। द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। तो कैवलरी, जो सेना के लोग, पुलिस को बुला लिया गया ताकि जो धरना कर रहे हैं इन पर नज़र रखी जा सके। संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। गवर्नमेंट को जो है वो जो ड्यूमा थी ना, पार्लियामेंट थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिकल ऑब्वियसली उनको हटाया गया है, तो वो उसके खिलाफ बोलेंगे ही। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th। फिर 26 तारीख को फिर से डेमोन्स्ट्रेटर्स सड़कों पर उतर आए। ऑन द 27th 27 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स को एक तरह से अटैक कर दिया गया। स्ट्रीट्स
थ्रॉन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। तो सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे थे, वो खाने की कह रहे थे कि उनको वेतन अच्छा मिलना चाहिए, खाना उनको सही उपलब्ध होना चाहिए, काम करने के घंटे फिक्स होने चाहिए और जो है देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इस तरीके की मांगें की जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर कैवलरी को फिर से बुला लिया गया, मतलब आर्मी की एक यूनिट को फिर से बुला लिया गया। हाउएवर कर्फ्यू जो है कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया फायर करने के लिए ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। जो आर्मी की यूनिट थी उसने मना कर दिया कि जो डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर रहे हैं ना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम इस पर अटैक नहीं करेंगे, मतलब आर्मी ने मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड थ्री अदर्स रेजिमेंट म्यूटिन्ड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो जो आर्मी की होती है ना, काफ़ी सारी रेजिमेंट्स होती हैं, आर्मी काफ़ी सारे पार्ट्स में, हिस्सों में, रेजिमेंट्स में बटा हुआ होता है ना, तो उन्होंने म्यूटिनी कर दी, मतलब कह दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट की या फिर अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानेंगे। और आर्मी के काफ़ी सारे लोग जो प्रोटेस्टर्स थे ना, जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जा करके ज्वाइन उन्होंने कर लिया। इवनिंग आते आते बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। तो काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे और आर्मी के लोग थे, वो गैदर हुए, इकट्ठा हुए, उन्होंने एक सोवियत बना ली, तभी तो बाद में इसका नाम सोवियत यूनियन पड़ गया था, सोवियत या फिर एक काउंसिल सी बना ली थी इसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पर ड्यूमा जहाँ पर मिलती थी ना, वहाँ पर काउंसिल सी बना ली गई। दिस वॉज द पेट्रोग्रैड सोवियत। और ये जो थी ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक पेट्रोग्रैड सोवियत बन गई थी, जहाँ पे आर्मी जो है वो आ गई थी लोगों के साथ, तो वहाँ पर वो लोग ड्यूमा में मिले और उसको ही पेट्रोग्रैड सोवियत कहा गया। अगले दिन ही जो डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार, और ये लोग जो मिले थे पेट्रोग्रैड सोवियत जो बनी थी, ये लोग ज़ार से मिलने चले गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने ज़ार को एडवाइस किया कि भाई थोड़ी शांति रखी जाए और एब्डिकेट किया जाए, क्योंकि आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब ज़ार के कंट्रोल से बाहर निकल गया था। तो जो मिलिट्री के कमांडर्स थे ना, उन्होंने ज़ार से कहा, वहाँ के राजा से कहा कि आप लोग, आपको जो है सत्ता को छोड़ देना चाहिए। और जो थी ज़ार जो था उसने बात मान ली और मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस जो की थी एब्डिकेट करने की। एब्डिकेट करना होता है अपनी पोजीशन को, अपने थ्रोन को, अपने राज्य को छोड़ देना। तो एडवाइस मान करके 2 मार्च को उसने अपने राज्य को छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। फिर ड्यूमा के जो लीडर्स थे, जो चुने हुए नेता थे, और जो सोवियत बनी थी ना लोगों की और आर्मी के सोल्जर्स की, उन्होंने कंट्री को चलाना शुरू कर दिया। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो रशिया का फ्यूचर था वो डिसाइड कौन करेगा, जो ड्यूमा बनी हुई थी और जो सोवियत थी, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, मतलब संविधान सभा बनाएंगे, जिससे हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वोट करके अपने नेताओं को भेजेंगे। पेट्रोग्रैड हैड लेफ्ट द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो अब रशिया से मोनार्की खत्म हो चुकी है, राजा का रूल खत्म हो चुका है, पेट्रोग्रैड से हटा दिया गया है राजा को, कब, फेब्रुअरी 1917 में। तो वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, तो यही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन वर्कर्स अफन इंस्पायर देयर मेल को वर्कर्स। तो जो उनके साथ काम करने वाले आदमी थे, वुमेन ने अपने साथ के काम करने वाले आदमियों को भी काफ़ी इंस्पायर किया। एट द लॉरेंस टेलन फोन फैक्ट्री मार्फा वलीजिया ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। तो मतलब एक वुमेन थी, उन्होंने अकेले ही अपने दम पर स्ट्राइक करवाई थी। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे वुमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड बोज टू द मैन। देन मार्फा वजीलिया अ मिलिंग मशीन ऑपरेटर स्टॉप्ड वर्क एंड डिक्लेयर्ड एंड स्ट्राइक। तो फिर मतलब यही काफ़ी सारे उसका वुमेन्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था और काम करने से मना कर दिया था। आफ्टर फेब्रवरी, फेब्रवरी के बाद क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल्स लैंड ओनर्स इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, ज़ार हटा दिया था वहाँ का राजा, जो है राज्य को ज़ार कहते हैं, उसको हटा दिया गया, बट जो गवर्नमेंट बनी उस पर कौन था, आर्मी के लोग थे, लैंड ओनर्स थे, जो खूब अमीर अमीर लोग थे वही इस गवर्नमेंट में आकर के आगे बढ़ के आए थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रैड सोवियत वॉज सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो ये ड्यूमा बनी थी जिसमें लोग इलेक्ट होकर के आए थे, इसमें से काफ़ी सारे जो थे वो सोशलिस्ट लोग भी थे, जिन्होंने काफ़ी जो है छूट दी गई कि भाई
काफ़ी सारे टाइप की आज़ादी दी गई कि पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं आप लोग और एसोसिएशन गुट बना सकते हैं। और जैसे सोवियत बना था ना पेट्रोग्राड में, कि आर्मी के लोग और काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो साथ मिल करके आए थे, उन्होंने ग्रुप या फिर सोवियत बनाया था। इस तरीके का जो सोवियत है वो देश में जगह जगह बनने लगा, बल्कि इलेक्शंस वगैरह ऐसे कुछ पर्टिकुलर इनकी कंडीशंस अलग अलग चलती थी, बट सोवियत एक ग्रुप ऐसे ही बनने लगे थे पूरे के पूरे अब देश में। अप्रैल 1917 आते आते बोल्शेविक लीडर, इनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था, तो 1917 अप्रैल में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। देखिए एग्जाइल होता है एक तरह से देश निकाला सा दे देना, तो वहाँ से अपने देश में वापस आए लेनिन। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। तो व्लादिमीर जो लेनिन थे और बाकी जो बोल्शेविक्स थे जो लेनिन के सपोर्टर्स थे, वो तो पहले से कह रहे थे कि रशिया को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नाउ ही फेल्ट इट वॉज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उनको लगा कि जो सोवियत्स हैं, लेनिन को लगा कि ठीक है क्या चल रहा है जो भी है, अब सोवियत्स को रशिया में पावर में आ जाना चाहिए। सोवियत ही तो वो लोग थे जिन्होंने रशिया में रिवोल्यूशन लेकर के आए थे। ही डिक्लेयर द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। लेनिन ने कहा कि अब वॉर जो है वर्ल्ड वॉर है ये खत्म होने वाली है और रशिया को तो इससे बाहर ही आ जाना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो किसको दी जाएगी, किसानों को दी जाएगी, और जो बैंक हैं वो अब गवर्नमेंट के होंगे। दीज थ्री डिमांड्स व लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल की जो थीसिस थी, तीन डिमांड्स क्या थी, कि वॉर जो है हम खत्म करेंगे, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे आगे वॉर में। दूसरा, लैंड का बंटवारा किया जाएगा और लैंड्स पीजेंट्स को दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज होंगे, सरकारी कर दिया जाएगा। ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। तो अब लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक पार्टी जो थी इसका नाम हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, ये दिखाने के लिए कि क्या क्या ऐसे बदलाव ही लेकर के आने वाले हैं। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो लेनिन ने दी थी। तीन पॉइंट्स क्या क्या थे, एक तो था कि वर्ल्ड वॉर से हम लोग खुद को बाहर निकाल लेंगे, दूसरा था कि पीजेंट्स में लैंड को बांटा जाएगा, तीसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो अप्रैल थीसिस से काफ़ी ज़्यादा लोग, इवन बोल्शेविक्स भी काफ़ी सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या आ गया है। दे थॉट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। तो बोल्शेविक्स, काफ़ी सारे बोल्शेविक्स को लगा था कि इस तरीके के हमें राइट्स अभी नहीं देने चाहिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, ये देखिए देश है, देश काफ़ी सारे ना स्टेट्स में बटा होता है, या तो आप उन्हें स्टेट बोल सकते हैं या फिर प्रोविंसेस भी बोल सकते हैं, तो उधर वहाँ पर प्रोविंसेस बोला जाता था। तो प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है ना उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, ऐसा बोल्शेविक्स का मानना था। बट काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हुए कि उनकी भी सोच में बदलाव आ गए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो जो वर्कर का मूवमेंट था, विंटर्स में फरवरी में विंटर में रिवॉल्यूशन हो गया था, समर आके, समर का मौसम आया गर्मियों का, तो वर्कर्स का रिवॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा फैल गया था। इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म विच बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। तो फिर लोग जो है, अब वर्कर्स की पार्टी बन गई थी सरकार में और देश में वर्कर्स की काफ़ी चल रही थी, तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये किस तरीके से फैक्ट्रियों को चलाते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर। ट्रेड यूनियंस होता है जैसे कि फैक्ट्री में करने वाले जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो जब यूनियन बना लेते हैं, वो जब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं, तो उन्हें वर्कर्स यूनियन कहा जाता है। इसी तरीके से व्यापार करने वाले लोग जब यूनियन बना लें, इकट्ठे होकर के आ जाएं, तो उसे ट्रेड यूनियन कहा जाएगा। तो काफ़ी सारी ट्रेड यूनियन सामने बढ़ करके आने लगी। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स की कमिटीज़, उनके भी ग्रुप्स बनने लगे। जून में लगभग 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स। As the provisional government saw its power reduce and the Bolshevik influence grew, it decided to take a stern measure against the spreading discontent. अब देखिए, गवर्नमेंट अलग चल रही थी और अभी लेनिन आ गए थे। लेनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रशिया की, तो उनकी ज़्यादा चलने लगी थी। अब तो जो गवर्नमेंट थी ना, उनको लगा था कि भाई ये जो बोल्शेविक्स हैं ये हमारी नहीं चलने देंगे, इनको अब हमें दबाना पड़ेगा। इट रिजेंटेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917। अब बोल्शेविक्स जो हैं उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। आप समझ में आ रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं आप लोग, आप पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो और अच्छे से कर पाएंगे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। देखिए, ज़ार था, अपनी अपनी चलाता था, किसी कुछ तो कोई मतलब नहीं है, उसका भला होना चाहिए। फिर क्या हुआ, लोगों ने फरवरी में रिवॉल्यूशन कर दिया। रिवॉल्यूशन किसने करा, रिवॉल्यूशन करा जो वर्कर्स थे और
और कौन थे, और कुछ जो आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने मिलकर के एक सोवियत बना ली और हटा दिया ज़ार को सत्ता से। बट जो गवर्नमेंट में आए वो अमीर लोग आए, वो आर्मी के ऑफिसर्स आए। अब ये जो चला रहे थे सत्ता, ठीक है, फिर आ गए लेनिन। लेनिन जो हैं वो देश के बाहर थे, अब वो देश के बाहर से देश के अंदर दोबारा आ गए। अब लेनिन जब दोबारा देश में आए तो उनकी एक पार्टी थी बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स देश में लाने शुरू कर दिए। उन्होंने 3 एजेंडा दिए थे ना, अप्रैल थीसिस किसने दी थी, लेनिन ने। उसके 3 पार्ट्स मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, वो याद करना है। अब देखते हैं, अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि जो लेनिन के बोल्शेविक पार्टी है ना, ये जो है हम पे खतरा है, तो अब इनको दबाने की कोशिश की जाने लगी सरकार के द्वारा। ये फटाफट से समरी बता दी मैंने आपको। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा दबा दिए गए सरकार के द्वारा। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो टू इनटू हाइडिंग फॉर और फ्ली, काफ़ी सारे बोल्शेविक लीडर्स को या तो छुपना पड़ा या फिर भागना पड़ा। मीनवाइल कंट्रीसाइड होता है गांव का इलाका, कंट्रीसाइड में जो पीजेंट्स थे एंड देयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब सोशलिस्ट लीडर्स जो थे, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये डिमांड करने लगे कि भाई लैंड का बंटवारा होना चाहिए और किसानों को ज़मीन मिलनी चाहिए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस, लैंड कमिटीज़ बनाई गई कि भाई किस तरीके से काम होना चाहिए। एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। तो जुलाई और सेप्टेम्बर आते आते जो है काफ़ी सारे लैंड पीजेंट्स ने खुद ही अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था। ये क्या है, देखिए, जुलाई डेज प्री बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे कैसे, मतलब दंगे वंगे से हो रहे हैं। अब आता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इससे पहले हम लोगों ने देख लिया जिसमें ज़ार को हटा दिया गया था। अब आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था ये देखते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, तो जो गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक्स थे उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेनिन फियर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप, लेनिन को लगता था कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि एक ही पर्सन का रूल हो जाएगा, जैसे कि हिटलर का था, और जैसे वही राजा का रूल होता है वो एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ही होती है। वो राजा होता है, राजा के अलावा कोई मिलिट्री का इंसान या कोई सरकार का लीडर कहने लगे बस अब मेरी चलेगी, तो वो डिक्टेटरशिप होती है। लेनिन को लगा था कि अभी जो सरकार है डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही है। इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब लेनिन को लगा था कि भाई सत्ता तो है, होने वाला है देश का, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने लेनिन ने क्या किया कि बोल्शेविक्स जितने भी लोग जो हैं सपोर्ट करते थे इनको, बोल्शेविक्स को, बोल्शेविक किसकी पार्टी थी, लेनिन की थी, तो आर्मी में जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, फैक्ट्रीज़ में, और सब लोग इकट्ठा करके क्या बनाएंगे, सोवियत बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। और 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, जो हम लोगों ने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में भी देखा था ना कि वर्कर्स थे और कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स थे, वो थी पेट्रोग्राड सोवियत। तो पेट्रोग्राड सोवियत को और जो बोल्शेविक पार्टी है इन सबको मिला लिया लेनिन ने और कहा कि अब हम लोग सत्ता को हासिल करेंगे, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये सही नहीं कर रही। मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो जो लियोन ट्रॉट्स्की जो हैं इनके अंडर में पूरी प्लान में बना लिया गया कि भाई हम लोग पावर को सीज करने वाले हैं। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, तो डेट को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया कि कब ये सब किया जाएगा, बट पूरे के पूरे प्लान्स बना लिए गए थे कि किस तरीके से अब हम को गवर्नमेंट को हटाना है और खुद को सत्ता पर लेकर के आना है। अपराइजिंग जो है, जो दंगे वगैरह या फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था 24 अक्टूबर को, सेंसिक ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो प्राइम मिनिस्टर को लग गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसने खुद तो शहर चले गए, ट्रूप्स बुला लिया आर्मी के। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो शाम होते होते क्या हुआ कि जो मिलिट्री के जो लोग थे जो गवर्नमेंट को लॉयल थे उन्होंने बोल्शेविक्स की 2 बिल्डिंग्स जहाँ पे न्यूज़पेपर छपते थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। प्रो जो गवर्नमेंट को पसंद करने वाले जो ट्रूप्स थे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो विंटर पैलेस जहाँ पे पहले राजा रहा करता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्मी भेज दी गई। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी भी थी कि इन्होंने कहा कि भाई तुम गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल में ले लो। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, तो एक शिप था उसने विंटर पैलेस पे शेलिंग मतलब एक तरह से अटैक करना शुरू कर दिया। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा रिवर
and took other various military points. By the nightfall, the city was under the committee's control and the minister had surrendered. तो अब बोल्शेविक्स की जो पार्टी थी, मतलब ये जो अटैक करने वाले लोग थे ना गवर्नमेंट पे, इनके कंट्रोल में आ गया और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया. एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स इन पेट्रोग्राड, मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन. अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया. तो बोल्शेविक्स, आप सिंपल सा इतना समझिए कि बोल्शेविक्स ने अटैक किया गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर, और गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लोगों की नहीं थी एक तरह से, आप कह लीजिए कि वो तो एलिट्स की, अमीर लोगों की मेनली गवर्नमेंट थी. उसको हरा दिया गया पूरी तरीके से और बोल्शेविक का राज आ गया था मॉस्को पेट्रोग्राड में. तो ये देखिए, ये पिक्चर है, लेनिन लेफ्ट एंड ट्रॉस्की विद द वर्कर्स एट द पेट्रोग्राड. तो लेनिन और ट्रॉस्की हैं यहाँ पर, ये देखिए लेनिन और ट्रॉस्की, ये देखिए, ये लेफ्ट में लेनिन है, ये लेनिन है और ये ट्रॉस्की है, और इतने सारे पेट्रोग्राड के वर्कर्स हैं. तो इन्होंने सत्ता अपने कंट्रोल में कर ली थी. तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये हो गया. अब ये जो है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ये जो फोर्थ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और फिर द सिविल वॉर वाला ये वाला जो पार्ट है ये आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे ही लिंक्ड है अक्टूबर रिवॉल्यूशन से. अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया, बोल्शेविक्स जीत गए, अब इसके बाद क्या बदलाव आए. तो देखिए, बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. बोल्शेविक्स कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका तो यही मकसद था ना कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाए, सरकार बांट दे उनको किस में, लोगों में, पीजेंट्स में. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, क्योंकि उनके जो लेनिन के तीन पॉइंट्स थे उसमें भी तो यही कहा गया था कि क्या होगा, हम लोग वर्ल्ड वॉर से अपने को खींच लेंगे, हम लोग नेशनलाइज कर देंगे बैंक्स को और प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे पीजेंट्स के बीच में, यही तो कहा था लेनिन ने. दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो गवर्नमेंट ने सारी की सारी ओनरशिप ले ली कि सब कुछ गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही इसमें काम करेगी. लैंड को कह दिया गया कि ज़मीन को, कि ये तो सोशल की सारी की सारी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है. एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. और पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको लैंड हथियाने के लिए कह दिया गया. हथियाने के लिए क्या, अब तो कह दिया गया कि सबकी प्रॉपर्टी है, पूरे देश के बराबर प्रॉपर्टी है, और लैंड बांटेगी कौन, सरकार, इस तरीके से कह दिया गया. तो नोबिलिटी जो थी, जिसके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, अब उसकी पावर्स छीन ली गई थी. शहरों में बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. तो जो बहुत ही बड़े बड़े घर थे ना, उनको इस तरीके से बांट दिया गया, जिस परिवार को जितनी ज़रूरत है उतना उसको दे दिया गया. दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. तो पुराने जो टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी, अरे ये तो राजा है, ये तो नवाब साहब है, और इस तरीके के टाइटल्स को यूज़ करना बंद कर दिया गया. टू एजर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वॉज चूजन. बुडे और नोवा जो भी बोलते हैं इसे, रशियन वर्ड है. तो उन्होंने कहा कि भाई अब एक आर्मी की ड्रेस भी होनी चाहिए, तो एक कॉम्पिटिशन आर्मी की और जो बाकी कर्मचारी हैं ऑफिशियल्स हैं कि एक ड्रेस होनी चाहिए, तो उसके लिए कॉम्पिटिशन जो है अरेंज किया गया और एक हैट को चूज़ किया गया. सोवियत हैट देखिए इस तरीके की होती थी, तो इस तरीके की हैट को चूज़ किया गया. द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. तो बोल्शेविक पार्टी जो थी उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया. नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस करवाए, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट. तो बोल्शेविक्स ने इलेक्शन करवाए बट उन लोगों को ज़्यादा वोट नहीं मिले. 1918 में असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. अब जो रिजल्ट आए थे, बोल्शेविक पार्टी ने इसको मना कर दिया मानने से, और लेनिन ने जो असेंबली बनी थी ना उसको डिसमिस कर दिया, हटा दिया. ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स वर मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन. तो उसको, उसने कहा कि जो हमारी पार्टी है ना उसकी, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, बल्कि जो इलेक्शंस करवाए थे ना वो इलेक्शन तो अजीब तरीके से हुए हैं और इन इलेक्शंस को हम लोग नहीं मानेंगे, बल्कि जो हमारी असेंबली है जिसने सब कुछ जीता है वही सही है और हम इसी की मानेंगे, इसी को ही चलाएंगे. ही थॉट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, सोवियत की जो कांग्रेस है ना, इकट्ठे हुए लोग हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है जो इलेक्शन हुए हैं उनसे भी. मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज, बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट
लिटवोक। तो 1918 में जो है जर्मनी के साथ समझौता कर लिया गया, बल्कि काफ़ी सारे लोग इसकी मनाही कर रहे थे, फिर भी समझौता कर लिया गया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो आगे आने वाले सालों में इलेक्शन तो होते थे, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, उसी पार्टी के लोग खड़े हो जाते थे और उसी पार्टी से लोग जीत करके आते थे और पार्लियामेंट में जाते थे। रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट, सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस आर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, पार्टी जो ट्रेड यूनियंस होती थी वो पार्टी के कंट्रोल में होती थी। सीक्रेट पुलिस कॉल द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD पनिश दोज हु क्रिटिसाइज बोल्शेविक्स। अब आप बोल्शेविक्स की बुराई करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपके साथ सही होगा नहीं। फिर मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलेटेड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो काफ़ी सारे राइटर्स वगैरह ने शुरुआत में तो लिखा था कि अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बदलाव ला रहे थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी बदलाव हुए, बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी एनकरेज। तो भाई पार्टी ही चलेगी, पार्टी का ही काम होगा, तो मतलब सब कुछ पार्टी वार्टी का होगा, इलेक्शंस भी एक ही पार्टी करेगी, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई थी रशिया में। न्यूज़ जो है रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग की, अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन द रशियन कंट्री साइड टू व्यूज़। तो रशियन के गांव वाले इलाके में क्या क्या हुआ था उसके व्यूज़ हैं। तो जब रीच जो न्यूज़ थी गाँव पहुँची, द फॉलोइंग डे वॉज ग्रीटेड विद एंथुजियाज्म टू द पीजेंट्स। इट मेंट फ्री लैंड एंड एंड ऑफ द वॉर। द डे ऑफ द न्यूज़ अराइव द लैंड ओनर्स मैनर वॉज लूटेड। तो गाँव में जब ये खबर पहुंची तो जो किसान थे वो तो बड़े खुश हो गए कि भाई वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाएगी और हम लोगों को जो है ज़मीन भी मिलेगी। तो खूब अटैक वटैक हुए, जो मैनर्स थे ना, मैनर होते हैं खूब बड़े बड़े घर जो लैंड लॉर्ड्स के थे, उन पर अटैक वगैरह हुए। मेम्बर ऑफ लैंड ओनिंग कम्युनिटी, लैंड ओनिंग कम्युनिटी, अब ये तो गरीबों की बात हुई कि उनके उनके मजे आ गए, जिनके पास ज़मीनें थी उनका हाल क्या था। द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। द फर्स्ट डेज वर अनबियरेबल। स्टेट ओनर जो था वॉज काम द गर्ल्स ऑल्सो। आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव्स करेक्टली एंड इवन पोलाइटली। वी वर लेफ्ट 2 cows and 2 horses। द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस, लेट देम लिव, वी वाउच फॉर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। तो बताया गया कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, हमारी चीज़ें ले ली गई, हमारे पास 2 गाय छोड़े गए, हमारे पास 2 घोड़े छोड़े गए, कौन, जिनके पास पहले बहुत सारी ज़मीनें थी। तो उन्हीं मतलब इसमें इस तरीके से हो गया कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके पास उतना ही रहेगा, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो द सिविल वॉर जो है कि फिर किस तरीके से रशिया में फिर से एक तरह से देश में ही जंग सी छिड़ गई थी और क्या सब हुआ था, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।